Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. As you know, my dear student, this is our 20th video lecture on correct appraisal of physical needs in human value. This is our basic human needs, which is the human needs that we requirements in daily lives, and how can we produce and product the human needs so that we can aspire completely according to our aspiration. किस तरह से हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उन्हें किस तरह से उनका उत्पादन या उत्पादित करें ताकि हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल नो स्टार्ट आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड आई. भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से जानकारी, पूर्ति के बारे में जानकारी शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि मैं और शरीर के बीच में कोई रिलेशन है या फिर कोई एक ही चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. विदाउट क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड आई, वी कांट चूज एंड रिकॉग्नाइज आवर करेक्ट नीड ऑफ नीड. बिना इनकी जानकारी के बिना हम सही मायने में आवश्यकताएं क्या है उनको पहचान नहीं पाएंगे. और प्रॉब्लम यहीं पर है, क्योंकि हम इनके बीच के अंतर को जान पाते नहीं हैं कि आवश्यकताएं जो है वो आवश्यकताएं सभी की एक जैसी है या फिर अलग अलग है. अब सभी की एक जैसी है, अलग अलग है, तो बाद में ह्यूमन बींग्स को जानें तो पहले ह्यूमन बींग्स के पार्ट्स को समझें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं. बिकॉज ह्यूमन बींग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, आई एंड बॉडी. मैं, क्योंकि हर बार हम ये बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, तो मैं एक चीज़ है और दूसरा उसको, उसके कार्यों को गति देने वाला जो कार्य किया जाता है वो उसका एक साधन है जिसको हम शरीर के नाम से जानते हैं. आई एम, मैं हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं खुशी चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं की होती है. ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हारमोनी एट ऑल फोर लेवल्स. सही सोच विचार करना, समझना और समाज के हर चारों स्तरों पर खुशहाल पूर्ण जिंदगी जीना, ये मैं का कार्य होता है. आई एम द सीर, डूर एंड एन्जॉयर. और इस प्रकार से मैं दृष्टा, कर्ता और भोगता होता है. और शरीर क्या होता है? शरीर है इसके अंदर माय बॉडीज, ये मैं कहता है कि ये मेरा शरीर है. ठीक है, माय बॉडी इज यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट टू फाई, मेरा शरीर मेरे साधन के रूप में काम आता है. फॉर नर्चर ऑफ बॉडी, शरीर को पोषणता देने का काम मैं करता है. नर्चर किससे होता है? भोजन से. टू प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, तथा शरीर का संरक्षण देने का कार्य मैं करता है. किससे? क्लोथ, शेल्टर आदि से. ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान के माध्यम से वह शरीर की देखभाल करता है. फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, मैं का कार्य भी होता है कि सही तरीके से इन वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जाए, ये मैं निर्धारण करता है. इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा आर नीडेड एज फिजिकल फैसिलिटीज. आज के भौतिक दौर में शरीर के लिए कुछ भौतिक सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया संसाधनों में, मोबाइल है, गाड़ी है, कार है, ये चीज़ों की भी. प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इज जस्ट ए पार्ट ऑफ माई और प्रोग्राम्स. इस प्रकार से मैं के कार्य योजना के अंदर ये कार्य करना भी इसका एक भाग हो जाता है कि शरीर को किस तरह से मुझे संरक्षणता देनी है, कोई ऐसी वस्तुओं का मैं उत्पादन करूं ताकि इसकी पूर्ति होती जाए, सही मात्रा में इन वस्तुओं का उपयोग हो, उपभोग हो, ये कार्य मैं के होते हैं. बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट. कार्य का निष्पादन करने का जो काम होता है वो शरीर करता है. कार्य कौन कौन से हैं, कैसे किया जाएगा, ये मैं निर्धारण करता है.
नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब हमें जीवन जीने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है भोजन की, शुद्ध पानी की और शुद्ध हवा की, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब हम देखते हैं कि मानव की आधारभूत आवश्यकता क्या है, उसके बारे में हम परिचय देखते हैं। ए लैक ऑफ समथिंग रिक्वायर्ड और डिजायर्ड नीड्स कहलाती है। आवश्यकता क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ की कमी होना या उसकी चाहत होना, वो आवश्यकता होती है उस मनुष्य की। नीड्स मोटिवेट अस टू एक्ट, आवश्यकता हमें प्रोत्साहित करती है कि काम करो जिससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। ये मोटिवेट काम का मोटिवेट करने का या प्रोत्साहित करने का कार्य मैके द्वारा होता है। बेसिक नीड्स और द ऑब्सोलेट नीड्स दैट एवरी ह्यूमन बींग नीड्स एंड अदर नीड्स कांट इमेजेंट्स विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स। अब आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, वे संपूर्ण आवश्यकताएं जो हर एक मनुष्य की आवश्यकता होती है या दूसरों की भी, लेकिन उनके बारे में तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते जब तक इस किसी आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए, तब तक हम दूसरी आवश्यकता की पूर्ति कल्पना नहीं कर सकते। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इसलिए जीवन जीने के लिए हमारे आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है एंड इज द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर, और यही आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि इनकी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए। एवरी इंडिविजुअल हैज़ बेसिक ह्यूमन नीड्स, हर एक व्यक्ति की उसकी आधारभूत मानवीय आवश्यकताएं हैं, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ की, इमोशनली भावनात्मक तौर से, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल, इस तरह से व्यक्ति की ये आवश्यकताएं होती है। अब आगे देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। हमारी आवश्यकताएं तो है पर इन आवश्यकताओं में कुछ अलग अलग विशेषताएं या वो एक जैसी है। बेसिक नीड्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर ऑल, हर मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं का रूप स्वरूप एक जैसा ही होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच नीड इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, हाँ जरूर है कि उनकी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अनुरूप उसका महत्व बढ़ जाता है। ऑल द बेसिक नीड्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरएक्टिव, जितनी भी मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और तथा उनको प्राप्त करने का तरीका भी एक जैसा ही है। अब हम इनमें थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब कैसे एक जैसी आवश्यकताएं सभी की एक जैसी कैसी होती है, जैसे कि रोटी ना, फूड, भोजन की आवश्यकता, तो भोजन सभी के लिए चाहिए और भोजन खाने का होता है जो सभी के लिए चाहिए, ठीक है। अब आवश्यकताओं की महत्वता अलग अलग कैसे बढ़ जाती है, जैसे कि आवश्यकताओं की महत्व इस तरह से, किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम उस वस्तु की आवश्यकता का महत्व ज़्यादा होता है। किसी के पास में वो आवश्यकता पहले से मौजूद है तो उसका महत्व उसके पास नहीं है, वो सामान्य अवस्था में होगी। आर इंटरकनेक्टेड, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है कि एक दूसरे की आवश्यकता एक जैसे रूप में है, चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे व्यक्ति अमीर हो, भोजन की आवश्यकता सबको समान है और उसकी भूख रोटी खाने से, भोजन करने से मिटेगी, चाहे वो व्यक्ति अमीर है और चाहे वो व्यक्ति गरीब है, इस तरह से वे एक जैसी है। आर इंटरैक्टिव, एक दूसरे की आवश्यकताओं का समान रूप होने के बावजूद भी उनको एक ही प्रकार के तरीके से उत्पादन किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है कि जैसे रोटी है हमारी, भोजन
आटे से तैयार होता है, आटा गेहूं से तैयार होता है और गेहूं का उत्पादन किसान करता है। किसान ये नहीं देखता इस खेत के अंदर गरीब के लिए और इस खेत के अंदर अमीर के लिए उत्पादन, दोनों में काम करने का तरीका वो अलग अलग नहीं अपनाता। एक ही खेत का वो अनाज होता है जिसमें उसकी श्रम पूंजी एक जैसी लगती है, तो इस तरह से उनको उत्पादन करने का जो श्रम है वो एक रूप का है, एक जैसा ही होता है। नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये देखने को होगा कि पहले मेरे शरीर के जो दो भाग हैं उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग है। हम पहले अपने बारे में अच्छी तरह से जान ही नहीं पाते, कोई दूसरे ने कैसे भी कह दिया उसको मान लेते हैं, समस्या यहीं पर है। जब हम अच्छी तरह से अपने बारे में जानेंगे आवश्यकताओं का वर्गीकरण भी उस अनुरूप हो जाता है। द बॉडी नीड्स फूड एंड वाटर फॉर न्यूरिशमेंट, शरीर के लिए भोजन पानी की ज़रूरत होती है ताकि उसको पोषणता मिले। क्लॉथ्स फॉर प्रोटेक्शन, वस्त्र की आवश्यकता उसको सुरक्षा देने के लिए होती है। ईच सेल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर इट्स सस्टेंस, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर शरीर की कोशिका के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत भोजन के द्वारा ही पूर्ति होती है। थस द बेसिक नीड ऑफ बॉडी इज फूड, इस प्रकार से शरीर की जो आधारभूत आवश्यकता है वो भोजन है, कपड़ा है और मकान है। बॉडी में आल्सो नीड इंस्ट्रूमेंट लाइक टीवी, कार, एसी, फिजिकल फैसिलिटी के अंदर इन वस्तुओं की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार है, टीवी है, ये भी शरीर के लिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा बॉडी फिजिकल है, तो फिजिकल जो भी वस्तु तैयार होती है वो सब की ज़रूरत बॉडी को होती है। द सेल्फ नीड्स टू लिव इन कंटिन्यूस हैप्पीनेस, अब बात करते हैं सेल्फ की, मैं की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता है जो निरंतर मैं प्रसन्नता खुशहाल जिंदगी चाहता है, ये मैं की आवश्यकता है। इस प्रकार से द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, स्वाभाविक तौर से शरीर की जो आवश्यकता है वो हमारी फिजिकल भौतिक रूप में पाई जाती है, जबकि मैं की जो आवश्यकता होती है वो भौतिक रूप में नहीं है, वो ऐसी है जैसे कि ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। हम यूँ भी कह सकते हैं जितनी भी चीज़ों का स्वरूप है वे सब शरीर की ज़रूरतें हैं, लेकिन मैं की ज़रूरत वे हैं जो नज़र नहीं आती। ए फीलिंग इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, पीपल डोंट वांट इट फॉर ए सिंगल मोमेंट। इफ एक्सेप्टेबल पीपल वांट इट कंटिन्यूसली, फॉर एग्जाम्पल डिसरेस्पेक्ट। ए फीलिंग इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, पीपल डोंट वांट इट फॉर ए सिंगल मोमेंट। अगर एहसास, विचारना, सोचना, भावनात्मक, ये ऐसी चीज़ें प्राकृतिक स्वीकार्यता का गुण इनमें नहीं होता तो व्यक्ति एक पल भी ऐसी चीज़ों को लेना नहीं चाहता। लेकिन आदमी के नियंत्रण में नहीं है, विचार उसके मस्तिष्क में आने हैं आएंगे, वो कितना भी कोशिश कर ले। इफ एक्सेप्टेबल पीपल वांट इट कंटिन्यूसली, यदि ये गुण स्वीकार्यता है, मतलब नेचुरल एक्सेप्टेबल है, तो लोग लगातार चाहते रहते हैं, ये विचार आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसरेस्पेक्ट, मतलब जैसे अनादरण। इफ नीड इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, लेकिन आवश्यकता यदि प्राकृतिक स्वीकार्यता में है तो वन वांट इट कंटिन्यूसली, तो लोग लगातार इन आवश्यकताओं को चाहते हैं। नीड्स ऑफ बॉडी आर कंटिन्यू क्वांटिटी एंड नॉट नीडेड कंटिन्यूसली, ठीक है। तो
जैसे कि आवश्यकताएं शरीर के लिए मात्रात्मक रूप में चाहिए लेकिन निरंतर रूप में नहीं चाहिए। एक्टिविटीज इन सेल्फ एंड बॉडी। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया मैं और शरीर की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, इन दोनों की कार्य प्रणाली को भी हम समझते हैं कि इन दोनों की कार्य प्रणाली क्या है, सेल्फ की एंड बॉडी की। सपोज वन इज इन क्लासरूम, मान लो कोई व्यक्ति कक्षा में है लिसनिंग टू लेक्चर और लेक्चर सुन रहा है एंड गेट डिस्ट्रैक्ट, सुन रहा है लेकिन ध्यान नहीं है। हेयर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, एक तो लिसनिंग का, एक उसका ध्यान नहीं है। तो लिसनिंग का जो वर्क है वो बॉडी का है, ध्यान नहीं है वो काम किसका है, मैं का है। देर आर सम एक्टिविटीज इन विच बोथ सेल्फ एंड बॉडी आर इन्वॉल्व्ड, कुछ ऐसी कार्य प्रणालियाँ होती है जिसके अंदर मैं और शरीर दोनों का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिसाइड विच फूड टू ईट देन मेक्स द चॉइस टू टेक द फूड इनसाइड द बॉडी, पहली बार हम ये निर्णय करते हैं कि हमें भोजन लेना है तो कौन सा लेना है और उस चॉइस के मुताबिक हम भोजन लेते हैं शरीर के माध्यम से। द डिसीजन एंड चॉइस आर मेड बाई सेल्फ, निर्णय और पसंद किसके माध्यम से हुई, मैं के माध्यम से, और कार्य किसके द्वारा हुआ, शरीर के द्वारा। इस तरह के कार्य शरीर और मैं दोनों करते हैं। एक्टिविटीज इन सेल्फ कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाई नोविंग एज्यूमिंग रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, जो गतिविधियां हैं कार्य प्रणाली है इनको हम इन चार तरीकों से समझ सकते हैं, जानना, मानना, पहचानना और पूर्ति करना। एज्यूमिंग डिपेंड्स ऑन नोविंग, लेकिन मानना जानने पर आश्रित है। विदाउट नोविंग ट्रूली पीपल ओनली एज्यूम्स एंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स विच कजेस प्रॉब्लम्स, लेकिन परेशानी क्या है, बिना जाने पहचाने हम मान लेते हैं और उसी को विश्वास मानकर आदमी काम करता रहता है तो वह व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। पीपल रिकॉग्नाइज ए वैरायटी ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल पीपल रिकॉग्नाइज पेरेंट्स रिलेटिव्स रिकॉग्नाइज इन एन एक्टिविटी रिकॉग्नाइजिंग इन सेल्फ डिपेंड्स ऑन एज्यूमिंग्स। When people recognize water, they drink it. When they recognize friends, they greet them. The activity of fulfilling is the response that. जब व्यक्ति जानना शुरू करता है तो जानने के तरीके उसके भिन्न हैं, माता पिता को जानना, संबंधियों को जानना, दोस्त को जानना, क्योंकि जानने पर ही मानना आधारित है। जब लोग जानते हैं तो उसको कार्य में लेते हैं और कार्य में लेते हैं तो उसकी पूर्ति होती है, जैसे पानी को जानते हैं कि इससे प्यास मिटती है पीते हैं, दोस्त को जानते हैं गले लगाते हैं। इस तरह से जानने से उसकी गतिविधियां या उसकी पूर्ति की जाती है। अब देखते हैं कि मैं और शरीर की आवश्यकताएं कौन कौन सी है, कौन सी आवश्यकताएं शरीर से जुड़ी हुई है और कौन सी आवश्यकताएं मैं से जुड़ी हुई है। ये हमारी आवश्यकताएं, इसमें हम अब कैलकुलेट करेंगे कि ये आवश्यकताएं मैं की है या शरीर की है। नाइस लुकिंग कार, प्यारी सुंदर सी गाड़ी देखना, ये किसका काम है, मैं का। कार फॉर ट्रांसपोर्ट, ये किसके लिए है, ये चाहिए शरीर के लिए। भोजन चाहिए शरीर के लिए, टेस्टी फूड चाहिए शरीर के लिए, हैप्पीनेस ट्रस्ट चाहिए मैं के लिए, ठीक है। नॉलेज किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए मैं के लिए। 50 लाख रुपए किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए या मैं के लिए, मैं के लिए। छूने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे हमारे शरीर के लिए आती है। गुड हेल्थ शरीर के लिए, MBA इसके लिए। इस तरह से हमें कैटेगराइज करना चाहिए। अब आगे देखते हैं
उसकी नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी में जो अतरंगता थी वो किस तरह से पूर्ति होती है। नीड्स आर ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये मैं के लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान। समय अनुरूप जो आवश्यकताएं होती है वो समय की आवश्यकता के अनुरूप जो आवश्यकताएं मैं की होती है वो कोई समय अनुरूप नहीं होती है, निरंतर चलती है। लेकिन शरीर की आवश्यकताएं टेम्पररी होती है, अल्पकालीन होती है। इन क्वांटिटी नीड्स आर, शरीर के लिए जो आवश्यकताएं होती है वो क्वांटिटी में होती है लेकिन सीमित मात्रा में होती है, लेकिन मैं की आवश्यकताओं में कोई क्वांटिटी नहीं होती, वे क्वालिटी होती है। नीड्स आर फुलफिल्ड बाय, किस तरह से पूर्ति होती है, मैं की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे सोच विचार से होती है, जबकि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति रोटी और कपड़े मकान से होती है। नीड्स आर द नीड्स ऑफ द बॉडी लाइक फूड फॉर न्यूरिशमेंट्स, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है लेकिन वो क्या काम करती है, न्यूरिशमेंट, शरीर को पोषकता देने में, क्लॉथ फॉर प्रोटेक्शन, कपड़े उसको संरक्षणता देने में, इंस्ट्रूमेंट टू एंश्योर राइट यूटिलाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज बीइंग फिजिकल इन नेचर, तथा संसाधन है वो सही मात्रा में उनका उपयोग हो, जान पहचान करके वर्गीकरण के, ताकि वो प्रकृति में विद्यमान है, आल्सो कॉल्ड फिजिकल फैसिलिटीज, इनको सुविधा के नाम से जानते हैं। वेयर एज द नीड ऑफ आई, जहाँ तक सवाल आई क्या मैं की आवश्यकताओं का है, वो एसेंशियल टू लिव इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस, वे जरूर है कि मैं के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो निरंतर सुख सुविधा प्रदान करने वाली होती है। द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, इस प्रकार से शरीर की आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती है वो भौतिक रूप से प्रकृति में विद्यमान होती है, जबकि मैं की आवश्यकताएं की जो वस्तु होती है वो प्रकृति में विद्वान नहीं होती, जैसे कि विश्वास, सम्मान, खुशियां। समय अनुरूप जो आवश्यकताएं होती है, जैसे वी वांट हैप्पीनेस कंटिन्यूसली, वी वांट द फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट कंटिन्यूसली एंड आल्सो एक्सेप्टेंस इन रिलेशनशिप, ये मैं की आवश्यकताएं जो होती है वो निरंतर रूप से बहती रहती है, चलती रहती है। जब हम बात करते हैं भोजन की, कपड़े की, रोटी कपड़े और मकान की, संसाधनों की, तो ये केवल और केवल मात्र समय अनुरूप मात्रात्मक रूप में चाहिए। वी कैन से दैट द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी जो बॉडी इज टेम्पररी इन टाइम्स, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर की आवश्यक मूलभूत जो चीज़ें हैं वो मात्रात्मक रूप से एक सीमित समय में उनको चाहिए, इन क्वालिटी में, गुणात्मक रूप से नीड्स आर फिजिकल फैसिलिटीज आर नीडेड फॉर द बॉडी इन लिमिटेड क्वांटिटी, शरीर की इच्छित वस्तुएं जिनसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो वे मात्र और मात्र सीमित मात्रा में चाहिए, जबकि वी ट्राई टू एक्सीड दीज लिमिट्स, यदि हमने इन मात्रात्मक वस्तुओं की संख्या में इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, इट बिकम्स ट्रबलसम आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में इनसे शरीर के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। जैसे वी गो ऑन ईटिंग, हम खाने के लिए जाएं, एंड इन द स्टार्टिंग इट इज़ गुड, शुरू में तो भोजन अच्छा लगा, लेकिन बिकम्स इनटॉलरेबल आफ्टर पासेज ऑफ टाइम, एक तय सीमा थी 10 मिनट 5 मिनट में खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन बैठे ही रहे, किसी दोस्त ने ज़बरदस्ती से बिठा लिया, खाओ खाओ, वो समय गुजरने के बाद में वो इनटॉलरेबल, असहनीय होगा, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो। थस इफ वी कंज्यूम टू मच फिजिकल फैसिलिटी इट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर अस, इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि हमने भौतिक सुविधाओं को या संसाधनों को ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग में लिया तो हमारे लिए समस्याएं खड़ी करता है। वेयर एज द नीड्स ऑफ आई आर क्वालिटेटिव, जहाँ तक सवाल है मैं की आवश्यकताएं
वे मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होती है, बट वी वांट देम कंटिन्यूसली। अब फर्क यही आ गया, वहाँ पर मात्रा से संबंधित थी इसलिए निरंतर आवश्यकता नहीं थी उनकी, यहाँ पर मात्रा नहीं है, यहाँ गुणात्मक है, यहाँ पर कोई वेट नहीं है इसलिए निरंतर चाहिए। आवर फीलिंग आर क्वालिटेटिव, हमारी सोच अच्छी होती है, आइदर दे आर ये व्यक्तियों पर उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है, किसी की सोच अच्छी भी है और बुरी भी है। हैप्पीनेस इज क्वालिटेटिव, आइदर वी आर फीलिंग हैप्पी और वी आर नॉट। अब मेरी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि मैं खुश भी रह सकता हूँ और दुखी भी रह सकता हूँ। इफ़ ए फीलिंग इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, वी डोंट वॉन्ट इट फॉर ए सिंगल मोमेंट। ये एक ऐसी भावना है, ऐसा विचार है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता और वे स्वाभाविक व्यक्ति के मन में आती है। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होती तो व्यक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करता, कभी भी स्वीकार नहीं करता। इफ एक्सेप्टेबल वी वांट इट कंटिन्यूसली, लेकिन इनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतः ही हमारे मन मस्तिष्क में आती है, इस वजह से ये निरंतर चलता है। नीड्स आर फुलफिल्ड बाई आई, आवश्यकताओं की पूर्ति किसके प्रति होती है, आई के द्वारा पूर्ति होती है। फॉर हैप्पीनेस, सुख के लिए, इज एनश्योर्ड बाई राइट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कैसे विश्वस्त, कैसे परिपक्व, कैसे उसको हम कह सकते हैं कि ये मैं के द्वारा होती है, जब उसमें अच्छा ज्ञान अच्छी सोच होगी तो। वाइल द नीड ऑफ द बॉडी फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, जबकि आवश्यकताओं शरीर की जो आवश्यकताएँ होती है वे भौतिक संसाधन सुविधाएँ होती है जिन्हें appropriate psychochemical things, जिनका स्वरूप एक रासायनिक पदार्थों के रूप में पाया जाता है प्रकृति के अंदर, जबकि मैं की आवश्यकताओं का स्वरूप प्रकृति में नहीं पाया जाता, उनमें कोई रासायनिक अवयव नहीं होते। इस तरह से हमें सोचना समझना ये हमारे ऊपर निर्भर है, तभी जाकर के हम कैटेगराइज्ड करेंगे विच इज़ द बेस्ट नीड फॉर आई एंड बॉडी। ओके, थैंक यू वेरी